गुजरी है। उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगाई। जिस जगह गए वहां कोई इदारा अपनी कोई यादगार छोड़कर आए, और मैं ये समझता हूं कि जहां इदारे बनाए यादगार छोड़ी वो अपनी जगह पर है, लेकिन उससे भी सबसे बड़ी चीज मौलाना की जिंदगी में अगर देखा जाए तो वो ये कि उन्होंने अपने पीछे अपनी औलाद दीनदार छोड़ी है, और ये उनका सबसे बड़ा सरमाया है। मैं सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का, मैं तमाम उलमाए कराम का, मोहतरम काजी साहब का, मौलाना फारूकी साहब का, तमाम उलमाए कराम का अमी के कल्ब से शुक्रगुजार हूं कि आप हमारा गम बांटने के लिए आए हैं। मैं आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों से आए हुए दोस्तों का, मेहरबानों का शुक्रगुजार हूं कि आप इस वबा के मौसम में, इस गर्म मौसम में सफर की सोबतें बर्दाश्त करते हुए आप हमारा दुख बांटने के लिए आए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले में दुनिया और आखिरत की खुशियां आपको नसीब फरमाए। आज हम हकीकी मानों में इस एतबार से गमजदा हैं कि आज हमारा एक ऐसा भाई जिसकी सुबह शाम की मोहब्बतें, जिसकी सुबह शाम की दुआएं उनका महवर हमेशा हम रहा करते थे, आज वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं गम के इस घड़ी में अपने अजीज बच्चों के साथ, अपने इन भांजों के साथ भी इजहार ताज़ियत करता हूँ। मैं अपने भाइयों के साथ भी, मैं अपने इस इलाके के रहने वाले लोगों के साथ भी, और खुसूसन मैं इस इलाके में क्योंकि ये मंग से हिजरत करके यहाँ पे आए हैं, मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उन्हें बड़ी इज्जत दी है। मैं इस पर दिल की गहराइयों से अपने पूरे खानदान की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसका बदला बेहतर अंदाज में दे। मुझे उम्मीद है कि आपका ये ताल्लुक उनकी औलाद के साथ भी इसी तरह रहेगा, शफकत का, मोहब्बत का, और इंशाअल्लाह अजीज मैं उनके बच्चों से भी तवक्कु रखता हूं कि वो अपने वालदे ग्रामी के नक्शे कदम पर चलकर दूसरों के फायदे का जरिया बने, कभी भी जिंदगी में किसी के नुकसान का जरिया ना बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ये बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नमाज का वक्त है, गर्मी का वक्त है, मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता, और मेरी ख्वाहिश है कि उनकी नमाज जनाजा उनके बेटे मौली उमैर पढ़ाएं, क्योंकि वो आलिम भी हैं, मेरे अजीज भी हैं, और उन्होंने उनकी खिदमत भी की है, तो मेरी ख्वाहिश है कि नमाज जनाजा हुई। ये किसका जनाजा है कुछ तुमको अंदाजा है, ये किसका जनाजा है कुछ तुमको अंदाजा है, लूटा है कजा ने ये तसनीफ का मैखाना, मैदान जिहाद के इस दरवेश मुजाहिद को, मैदान जिहाद के इस दरवेश मुजाहिद को है पेश सलामे दिल और अश्कों का नजराना। तसनीफ की वादी या तहकीक की दुनिया हो, तसनीफ की वादी या तहकीक की दुनिया हो, तेरा था मिशन दुश्मन अस्हाब से टकराना। जे की मलाहत जब याद आएगी रोएंगे, लहजे की मलाहत जब याद आएगी रोएंगे, तड़पाएंगे तेरे।